नोट कर लेने में सामने वाली नोट कर लिया। चलिए देखिए आगे है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रहे हैं, जो आपका थर्ड पेपर है उसी में बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हेडिंग डालिए। बेसिक ऑपरेशनल बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाल इसके बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ठीक है। तो देखिए पहला है इन्वर्टिंग, दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देयर आर टू बेसिक टाइप एम्पलीफायर। There are two basic type of operational amplifier। दो बेसिक टाइप के ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग। वन इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड वन इज एम्पलीफायर एंड अदर इज वन इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड अदर इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड अदर इज नॉन इन्वर्टिंग। दो बेसिक टाइप के एम्पलीफायर, एक है इन्वर्टिंग एंड अनदर इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, दूसरा है नॉन। देखिए पहला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपने ये ओपी एम दिया, इसमें V1 अप्लाई करेंगे, ये लोड लिया नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर V1 है, ये वाला पॉजिटिव वाला अर्थ है, तो यहाँ पर 0 है, पॉजिटिव
पॉजिटिव वाला अर्थ कर दिया, आर वन लोड है इससे करंट आई वन आ रहा है, ये पॉइंट ए ठीक ऑपरेटिंग पॉइंट, इसमें आर एफ लगा दिया, आर एफ लगा दिया, करंट आपकी आई एफ, ये कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। इसमें जो ये वाला टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसे ग्राउंडेड करना है, दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर amplifier with grounded positive terminal, with grounded positive terminal, with grounded positive terminal, positive terminal को grounded विद ग्राउंडेड पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वी टू लेते हैं वो है आपका सी, जो वी टू लेते हैं वो आपका सी, वी टू की वैल्यू है सी। आइडियल ओपीएम के लिए ये पॉइंट पर देखते हैं, एक एक पॉइंट करने वाला फॉर आइडियल ओपीएम, आइडियल ओपीएम के ठीक है, आइडियल ओपीएम है तो वोल्टेज गेन ए बी इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, वोल्टेज गेन ए बी इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, करंट की वैल्यू, करंट आई वन की वैल्यू, इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी अपॉन आर, वी वन माइनस वी ए अपॉन आर, यहाँ का वोल्टेज है वी नॉट, ये वी नॉट, वी ए माइनस वी वन अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया यहाँ पर वी ए है यहाँ पर वी वन, तो वी वन माइनस वी ए अपॉन आर वन आई वन, यही आई वन इधर जाएगी, बिल्कुल ज़्यादा बात है, तो यहाँ पर वी ए वी वन माइनस वी ए अपॉन आर वन किसके बराबर आई वन, अब उसी तरह वी ए माइनस वी नॉट अपॉन आर, वही करंट तो जा रही है,
So B dot VA minus V naught upon R. VA minus V naught upon R. अब यहाँ पर ये वाला ग्राउंडेड है तो VA की वैल्यू इसके पोटेंशियल ये जीरो है तो यही वाला पोटेंशियल यहाँ पर रख तो VA की वैल्यू देयर VA बराबर थी क्योंकि बिकॉज V2 बराबर तो V A की वैल्यू V2 के बराबर अब ये आपने यहाँ रखना तो I1 की बजाय V1 माइनस जीरो जीरो माइनस तो V1 अपॉन R inverting.
ये वोल्टेज गेन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये वाला भी है तो नेगेटिव वाला ये भी है, ये भी वन तो जो VL है VL की जगह आपको हमने V1 से दिखाया, नेगेटिव वाला VL से दिखाया, नेगेटिव वाला VL से दिखाया, VL की जगह V1 और पॉजिटिव टर्मिनल वाले को VP से दिखाया। जो अर्थ कर दोगे तो ग्राउंडेड कर दोगे तो उसका पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल यहाँ पे लगा भी इवन। अब जो ग्राउंडेड वाला टर्मिनल है वो किस पॉइंट पर, ग्राउंडेड वाला टर्मिनल पर पोटेंशियल इधर वर्क है तो वी टू आपका यहाँ पर, तो वी ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर है वी ए। तो अब आपने लगाया दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद ग्राउंडेड पॉजिटिव टर्म, विद ग्राउंडेड पॉजिटिव टर्म, ठीक है। देखिए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होगा वो निगेटिव, ठीक है, और आपका नॉन इन्वर्टिंग का वैसा ही रहेगा। भाई रिवर्स कर दे तो जो वोल्टेज गेन है वो रिवर्स है, तो आपने ये लिया इन्वर्टिंग निगेटिव टर्मिनल पर आपने क्या किया वी वन लगाया, ये वाले टर्मिनल को क्या कर दिया, ठीक है। जब अर्थ कर दोगे ग्राउंडेड कर दोगे तो वी टू की वैल्यू, ये वी पी की वैल्यू क्या हो सकती, ये जीरो पोटेंशियल यहाँ पर, यहाँ पे वोल्टेज है वी वन, ये हमने आर एस लगाया जिसमें करंट लगा दिया आर एस, ठीक है, यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो करंट फ्लो होगी आई वन, वो आई वन इधर भी है वही आई वन तो आई वन की वैल्यू होगी इधर बी वन माइनस बी ए अपॉन आर एन, वो लिखा बी वन माइनस बी ए अपॉन आर एन, और इसकी वैल्यू होगी बी ए माइनस बी नॉट अपॉन आर एन, बी ए माइनस बी नॉट अपॉन आर एन, बी ए की वैल्यू है जीरो, बी ए की वैल्यू क्या है जीरो, और बी ए जीरो है बिकॉज बी टू की वैल्यू क्या है, ठीक है भाई, बी ए जीरो इसलिए जीरो क्योंकि बी टू की वैल्यू क्या है वही पोटेंशियल यहाँ पर, तो आपका बी ए जीरो क्योंकि बी टू जीरो, मैं वैल्यू दिया बी ए बराबर बी टू बराबर, अब ये लगा कि आई वन बराबर बी वन माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस बी, तो बी वन अपॉन आर वन माइनस बी नॉट अपॉन आर वन, अब बी नॉट की जगह बी वन की है, बी नॉट के नीचे ये कर लिया आर वन, ये क्या होगा ये दिस इज द वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग ए बराबर माइनस आर एफ, ठीक है ये, तो ये नेगेटिव आया तो ये इन्वर्टिंग है रिवर्स कर लेता है, और पॉजिटिव आता तो वो नॉन इन्वर्टिंग। अब आ जाओ नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग
पॉजिटिव टर्मिनल इसे हमने V1 से दिखाया, बात करने में लगे हो गए जैसे ही आए हो, टॉपिक आए चाइना इससे मतलब नहीं है, तुमने पहले शुरुआत कर दी अपनी। हाँ पूछ रहे हो, पता नहीं क्या पूछ रहे हो, शांत रहो, ये तो बाहर भी पूछ लो। RF ये A पॉइंट, इसलिए ये डी वाले टर्मिनल को ये जीरो, ये जीरो आउटपुट है। For non-inverting amplifier, inverting terminal is also इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम अर्थ करते अर्थ या ग्राउंड है। तो V2 की वैल्यू आपकी क्या है, V2 की वैल्यू की अब यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है VA वही V1 पर आता है, VA ही आपका V1 पर आता है। VA की वैल्यू किसके बराबर है, अब देखिए करंट की वैल्यू, करंट इनपुट I1 की वैल्यू 0 माइनस V अपॉन R, VA माइनस V1 अपॉन आर, VA ये पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं 0 माइनस VA अपॉन आर, ठीक है, VA माइनस V0 अपॉन आर। अब आप क्या करेंगे, VA की वैल्यू किसके बराबर है, VA की वैल्यू
VA की वैल्यू V1 के इसी तरफ ले आइए V1 कॉमन ले लीजिए, माइनस पहले कॉमन लेके देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये नॉन इन्वर्टिंग, वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट याद करना पड़ेगा, ठीक है, सर्किट आपको याद करना पड़ेगा। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ आ जाओ। तो देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आपको इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग थ्योरिकल बेस पे बहुत सरल है, पर ये सर्किट आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टिंग वाले में आपका जो ये पॉजिटिव वाला है वो अर्थ करता है, पॉजिटिव वाला अर्थ करता है, इस वाले में निगेटिव वाला ही अर्थ करेगा, और जो सर्किटल अरेंजमेंट है वो हम उसी में अरेंज करें। ये देखिए सर्किटल अरेंजमेंट,
इन्वर्टिंग में ही अरेंज करते हैं, ठीक है। ये वाले को प्लस वाला एडिटिव रखा, उसका वोल्टेज है तो जिसे हम बीपी कहते थे उसमें बी है, ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये बीपी है इसी को हमने इसका बीएल लेते थे, बीएल लेते थे उसी हमने, और वो है आपका बी वन को हमने बी टू ले लिया, वो है आपका, ठीक है। अब हमने इनपुट लोड आर वन लिया है, इनपुट लोड आर वन लिया है और ये है आपका ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट जब ये वाला टर्मिनल कट है तो जो दूसरा टर्मिनल है उसी का पोटेंशियल उसके बीच में वर्क करेगा, तो ऑपरेटिंग पॉइंट पर वोल्टेज जो होगा तो वो वाला होगा। और ये है आपका लोड आर एस जिसके करंट जाएगी आई एस, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट है, तो फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन्वर्टिंग टर्मिनल इज अर्थ और ग्राउंड। इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने अर्थ किया है या ग्राउंडेड किया है, उसका पोटेंशियल क्या है सी, ये आपको सर्किट याद करना। अब देखिए करंट इन ओपेम इधर लिख दिया, मानी करंट इसमें आई वन फ्लो हो गई, तो आई वन की वैल्यू दोनों के बीच का पोटेंशियल जीरो माइनस वी अपॉन आर, तो जीरो माइनस वी अपॉन आर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वी ए माइनस वी नॉट अपॉन आर, वी ए की वैल्यू वी वन के बराबर रख दी, वी वन अपॉन ये रख दिया वी वन माइनस वी, अब ये हो गया माइनस वी वन अपॉन आर, वी वन अपॉन आर, ठीक है। अब आपने इस वाले V1 को इधर कर दिया, माइनस में कॉमन ले लिया तो माइनस आ गया है, और ये आ गया आपका सर्किट में, तो ये आपका आया V1 वन अपॉन आर, वन अपॉन आर वी नॉट की नीचे वी नॉट अपॉन वी वन वोल्टेज गेन, नॉट अपॉन वी वन आपका वोल्टेज गेन है, तो ये ए बी आया, वी नॉट अपॉन वी वन आउटपुट इज सेम साइन एज इनपुट, ठीक है। आउटपुट सेम साइन है जैसा कि इनपुट, so that it is called non inverting
so that it is cut. देखिए एक न्यूमेरिकल है फॉर द सर्किट for the following set. Calculate heat. V naught calculate karna. अब ये न्यूमेरिकल लगाना है ठीक है आपको कैलकुलेट करना है सर अभी बन गई आपको वी नॉट कैलकुलेट करना है तो अब ओपीएम के लिए क्या करना है
ये 2 वोल्ट है तो VA पर यही 2 वोल्ट था और ये फॉर आइडियल ओप एम्प फोर माइनस बी वन माइनस अपॉन आर वन किसे आर वन इसे क्या मानते हुए आर एन ठीक है वी ए माइनस बी डॉट अपॉन ऐसे करते थे तो ये है फोर वोल्ट माइनस टू वोल्ट आर वन की वैल्यू है टेन टेन टू वोल्ट इसकी वैल्यू है टू वोल्ट आर एस की वैल्यू टेन टू की पावर थ्री से टेन टू की पावर थ्री से तो टू अपॉन टेन टू माइनस बी वन माइनस एप्लीकेशन ऑफ ओपीएम अब एडिंग है ये आपके लिए एक और लगवा दूंगे एक आपको कैलकुलेट द वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ये इन्वर्टिंग का था नॉन इन्वर्टिंग नीचे सर को देनी है दो है तो मैं पीना फिर पीना
तुम बहुत दिन से नहीं आए, क्या बुखार का रहा है? अब देखिए यहाँ पर ये है, मान लो V2, ये है V1, ये है V2, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आपकी 0, VA की वैल्यू, अब ये फॉर आइडियल ओपीएम, ठीक है। V1 की वैल्यू है 0, VA की वैल्यू है 20 वोल्ट, R1 का मान है 20 किलो 20 इंटू 20, VA की वैल्यू RF की वैल्यू ठीक है। V0 इधर लिया तो V0 की वैल्यू 20 प्लस 50, तो नॉन इन्वर्टिंग वाला ऑपरेशन था, नॉन इन्वर्टिंग तो ऑब्वियसली प्लस, ठीक है। तो इन्वर्टिंग था माइनस और नॉन इन्वर्टिंग था प्लस, हमने दोनों के अकॉर्डिंग आपको। अब आइए एप्लीकेशन ऑफ ओपीएम, ओपीएम का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो ओपीएम का है, तो पहला एप्लीकेशन कर रहे हैं एडर और समर एम्पलीफायर, ऐड करने वाला और या सम करने वाला।
देखिए पहला एडर और समर एडर और समर पॉजिटिव टर्मिनल को अर्थ कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल एरिया ऑपरेटिंग पॉइंट और यहां पर करंट इससे आई वन आ रही I4 और इसी तरीके से IN करेंट है आई एफ आइडियल ओपीएम के लिए क्योंकि वो वाला टर्मिनल भी है और आइडियल ओपीएम VA बराबर और आइडियल ओपीएम VA बराबर आइडियल ओपीएम के लिए VA की वैल्यू जीरो क्योंकि ये वाला जीरो है because non inverting terminal is ground non inverting terminal non inverting terminal is ground क्योंकि नॉन
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका ग्राउंड है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अब आइए इनपुट वोल्टेजेस आर इनपुट वोल्टेजेस आर वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी एन आर applied at inverting are applied at inverting वो हम apply करते हैं inverting terminal पर are applied at inverting terminal देखो V1 को हमने कहाँ पे लगाया negative पर और नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग वी वन इन्वर्टिंग वी टू वी थ्री वी फोर एंड वी एन ये आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने अब देखिए करंट की वैल्यू करंट आई का मान आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव एंड सो ऑन आई और आई का वैल्यू ही आई एफ के बराबर है यही आई आई एफ के बराबर तो आप जरा लगाइए आई वन आई वन आई टू आई थ्री आई फोर एंड सो ऑन आई एन किसके बराबर आई एन तो आई वन की वैल्यू वी वन माइनस जीरो आई टू की वैल्यू वी टू माइनस जीरो आई थ्री की वैल्यू वी थ्री माइनस जीरो और इसकी वैल्यू वी एफ माइनस जीरो आई एफ की वैल्यू जीरो माइनस वी नॉट अपॉन जीरो माइनस वी नॉट अपॉन तो ये तो सब प्लस हो गए जीरो ही कट रहा है तो वी वन अपॉन आर वी टू अपॉन आर वी थ्री अपॉन आर इसकी वैल्यू है माइनस में वी नॉट अपॉन V नॉट अपॉन R अब आपने V नॉट अपॉन अब आपने क्या किया V नॉट बराबर ऐसे कर दिया V नॉट बराबर माइनस में आर एफ वी वन अपॉन आर वी टू अपॉन आर वी थ्री अपॉन ये रिलेशन हो गया एडर मतलब सभी वोल्टेज या सुनी ऊपर से जरा कार की चाबी हमारी पर डिजायर के अलावा उसमें किताब रखी हो ये रिलेशन हो गया
this is the required for adder amplifier. ये adder amplifier. अब यहां पर अगर ये सब रजिस्टर बराबर हो जाए, इफ केस पॉसिबल, इफ आर वन आर टू आर थ्री आर फोर एंड देन देयर आर एन सब सेम हो जाए आर के, ठीक है, केस पॉसिबल. अगर दो रजिस्टर के लोड भी सेम हो, इफ आर एल बराबर हो तो बी नॉट बी लोड, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर एडर और सेल, ठीक है, ये भी आता है, दिस इज द रिक्वायर्ड और तुमने दस से पढ़ा देना